क्या चाहिए? आपकी दवाई रामबाण से भी ज्यादा तेज रामबाण है जी। मतलब किडनी पेशेंट की और क्या नाम है, मतलब एक हफ्ते से भी कम समय में और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो ये पूरे विश्व में जो एक ही जने कर सकते हैं वो है डॉक्टर हमारे एसबी तिवारी भैया जी, लखनऊ वाले। हम तो भैया तमाम उम्र आपके चरणों के आभारी रहेंगे भैया, चरणों के दास रहेंगे जी। अरे नहीं नहीं, सब बजरंग बली की कृपा है। आपने नया जीवन दिया भैया, नया जीवन है भैया। वरना दिल्ली में तो इतनी मौतें हो रही है पूछे नहीं भैया। हम देखो बाबू, बड़ी चीज नहीं है भाई, आप लोग इतना भरोसा करते हो और उस भरोसे का ही सब परिणाम है। और सबसे बड़ी चीज हम जानते हैं दोस्त, हम दवा नहीं बजरंगबली का साक्षात प्रसाद देते हैं, ये जान लो भैया जी। आपने जो दवाई दी थी ना, मैं दवाई देती मैंने कहा थी ये बड़े भैया ने प्रसाद भेजा आपके लिए, मैंने दवाई नाम ही नहीं लिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रसाद मतलब ऐसा दिव्य काम करा, मतलब एक बार ही बुखार नहीं चढ़ा भाई साहब उनके, एक सिंगल टाइम बुखार नहीं आया। जो खांसी भी थी वो दूसरे दिन चली गई थी। अच्छा, कोई मतलब हाथों में दर्द नहीं, पैरों में दर्द नहीं, सिंगल टाइम बुखार नहीं आया भाई साहब एक बार भी। कितने दिन में, कितने दिन आरटीपीसीआर कराए थे? आरटीपीसीआर कराए थे, मैं दोनों रिपोर्ट भेजता हूँ, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों भेजो बच्चा। कई दिन में हो गया नेगेटिव? एक हफ्ते के अंदर, 28 तारीख को हमने रिपोर्ट कराई थी, 28 अप्रैल को टेस्ट कराया था। 28 अप्रैल को करना रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आई थी। हाँ? और आपसे करना मतलब 30 तारीख को दवाई के लिए बात हुई थी जी। हाँ हाँ। और 30 तारीख की शाम से दवाई दी है और क्या नाम है 8 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। वाह, मैंने राइट एक हफ्ते के अंदर, मतलब एक हफ्ते से कम ही समय लगा क्योंकि हमने 30 तारीख शाम को दवाई ली है और क्या नाम है 7 तारीख को टेस्ट हो गया है, तो 6 दिन के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है सीकेडी के पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट की, जो इम्पॉसिबल है। तो बस प्रभु जी मतलब ऐसी मतलब बच्चों पे कहना, मैं भाइयों पे दया बनाए रखना जी। अरे नहीं नहीं, पूरे दया है। अच्छा ही बताओ, जैसे मतलब एक ओपिनियन, देखो मैं वर्ल्ड वाइड एक मतलब सर्वे भी कर रहा हूँ जी, है ना। तो जैसे अब ये तुम इतने पॉजिटिव हो गए, मतलब मेंटली भाई, घर के पिताजी अगर इतने भाई, देखो दिल्ली जैसे शहर में और कितनी क्राइसिस है, और हम आपको यहाँ से दवा भेज करके और आपको मतलब कितना कॉन्फिडेंस से भर दिया। तो आप मतलब होम्योपैथी के लिए, चलो हमारी हमारी कुछ नहीं, हमारे सिस्टम को क्या कहना चाहोगे, होम्योपैथी को क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मैं दो दो बातों में अलग अलग तरह से मैं बात को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। पहली बात, होम्योपैथिक मतलब पद्धति वो पद्धति है, अगर जानकार कोई है, आप जैसा ज्ञानी है कोई, आप जैसा अनुभवी कोई डॉक्टर है, तो आप किसी भी मर्ज को कभी भी ठीक कर सकता है जी। कभी भी होम्योपैथी, देखो हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे, इसे हम हमेशा कहते हैं, और इस टॉपिक पर मैं हम सरकार के ध्यान को भी आकर्षित करना चाहते हैं कि भाई देखिए, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो जिन्होंने मतलब सही चीज समय से समझा है, उसका क्यों नहीं आप इस संकट के घड़ी में फायदा ले रहे हो, बताइए कि आप। हाँ, हमारी भारतीय गवर्नमेंट की मजबूरी है कि हम अमेरिका के कर्जदार हैं। हाँ, अमेरिका जो कहेगा ना, हम वही करना पड़ेगा, वही करेंगे भाई। देखिए, एलोपैथी ठीक है अपने जगह पे, हर सिस्टम चिकित्सा पद्धतियों के, हम किसी को नहीं भाई, जिसके अंदर जो क्षमता है वो कर रही है, लेकिन अगर इसके अंदर इतनी जिसे बताई है कि भाई आपको इतनी बड़ी चीज की गई, तो क्यों ना इसको एक मतलब आदेश जारी करके, एक प्रोटोकॉल बना करके, और इन दवाओं को कोविड के मरीजों को दिया जाए। अब मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कौशिक, दिल्ली से। राकेश, राकेश भाई समझो कि हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम अपने इस लखनऊ के और जितने भी हमारे मान लो ऑनलाइन भी शुभचिंतक हैं, कितने लोगों को भेज भेज के दवा, और यहाँ जो काम मैंने किया है, ये सचमुच में खुद मुझे बड़ा अंदर से मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, इतना गर्व होता है कि जब आप लोग इतना पॉजिटिव होकर बात करते हो तो मुरा भी जैसे मनोबल इतना बढ़ जाता। फिर हम अब देखो, जरा भी फुर्सत मिलती है तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, फिर अगली दवा कैसे क्या करना है, किसको क्या करना है, तो ये सब चीजें बहुत बड़ी चीज है, समझ लो। और भाई साहब, रही बात दूसरी बात की, होम्योपैथी पे कितना यकीन है? होम्योपैथी पे मेरे को आपसे मिलने से पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मैं बताऊं आपको। यही होता है, मुझसे जो भी जुड़ता है वो यही कहता है, सर अब आपसे जुड़ने के बाद मुझे यकीन हो गया। तो अब मुझे लगता है कि हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे ना, उन्होंने लाके आपको दे दिए।
और उससे आप सबका जीवन बचा रहे हैं। सही है सही है सही। तो चलो चलो राकेश, तुम्हारे पिताजी को मतलब मैं ठीक कर दिया। ठीक क्या कर दिया? बजरंगबली का प्रसाद लग गया और ईश्वर की कृपा हो गई। पिछली जो मेरी धर्मपत्नी है, मेरी धर्मपत्नी प्रीति कौशिक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा धर्मपत्नी जी ठीक हो। हाँ, तो उनको उनको रिलीफ मिल गया और अब समझ लीजिए कि मेरे लिए भी वो है। बाकी ऐसे ही भरोसा बनाए रखिएगा और आप लोगों को मैं पूरी सेवा करूंगा इस जिम्मेदारी से। और कोई भी चीज देखिए, अगर खाना को भी प्रसाद बना करके दोगे ना तो उसका भाव बदल जाता है। तो मैं दवा को भी बजरंग बली का प्रसाद बना के देता हूँ और वही जैसे हमको खुद कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप ले जाइए ना एक हफ्ते में करा के देख लीजिए, मैंने कहा था उस समय। जी 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 जी। और देखिए वही हुआ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मतलब लोगों को भी मतलब इस समय प्रचार प्रसार करूंगा ताकि लोगों का जीवन बचे। जी और नहीं, चलिए अपना नंबर जरा बता दो। हाँ, 7982 54 54 3116 राकेश कौशिक 3116 राकेश कौशिक, पश्चिम विहार दिल्ली, पेशेंट प्रीति कौशिक, 836 किडनी पेशेंट। ठीक ठीक, विथ कोविड पेशेंट। एक बात और थी जी। बोलिए बोलो। कि जो किडनी की दवाई हमने भी जब मतलब कोविड हो गया ना जी, तो हमने वो किडनी की दवाई स्टॉप कर दी थी क्या ना, दो महीने लेने के बाद। तो अब इनको क्या है जी, क्या ना मतलब बार बार लंग्स में ना पानी आ रहा है, उसकी सांस फूल रही है। नहीं तो दवा शुरू कर दो, आप शुरू कर दें जी। हाँ शुरू कर दो। और एक दवा मैं भी व्हाट्सएप पे आपको रिकमेंड कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा लंग्स के मजबूती के लिए। ठीक है, या अगर हाँ हाँ और नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से भेज दूंगा। जी प्रभु जी, क्योंकि लंग्स में पता क्या हो रहा है, बार बार ना दो बार टैपिंग भी करा ली पानी की, हमने पानी भी निकाले 1.5 लीटर, लेकिन आज डायलिसिस करा कल ही सांस फूल जाती है अगले दिन। ये दिक्कत हो रही है। तो लंग्स में अगर पानी ना बने यार, बने तो निकल जाए, तो उसके लिए मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप लिख के। ठीक है। हाँ जी जी भाई साहब, जी भाई ठीक है। चलिए, कुशल मंगल के साथ बजरंगबली कृपा बनाए रहे पूरे परिवार पर।